जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है। इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। यहां से आपको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है, फिर आप होम पेज पर आ जाओगे। इसके बाद आपको टुडे बेस्ट जॉब से एचपी फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2021 को ओपन करना है। अगर आप इसको यहां पर नहीं देख पा रहे तो आपको यहां पर सर्चिंग में इसको सर्च कर लेना है और फिर आपको इस पोस्ट के ऊपर आ जाना है जहां पर आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी जान सकते हो कि कितने पदों पर यह निकाली है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी है, कब से लेकर के कब तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे यूजर रजिस्ट्रेशन और एक्साइटिंग यूजर रजिस्ट्रेशन, तो अगर आप अभी फ्रेशर हो तो आपको यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी पोस्ट देखने को मिल पा रही है। यहाँ से आपको अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। सैल्यूशन या फिर टाइटल, तो यहाँ पर मिस्टर मिसिज जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपना पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। जेंडर यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको चूज कर लेनी है। सब कैटेगरी आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इस प्रकार से एंटर करनी है, पहले डेट सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो। तो ये करने के बाद आपकी DOB आ जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपकी ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको दे सकते हैं और या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ये भरने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जिसकी लेंथ 8 से 15 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। और आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे कि आपको अपने नेम का एक अक्षर बड़ा कर लेना है, उसके बाद आपको @ या फिर कोई भी डिजिट का इस्तेमाल कर लेना है। यही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद इसको वेरीफाई करना है और जो भी जानकारी अभी तक आपने ये भरी है इनको अच्छे से चेक करके श्योर होकर के आपको नीचे क्रिएट यूजर के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट यूजर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको जो वो पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने क्रिएट किया है। फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी अभी आपने भरी है, कुछ जानकारी आपकी अवेलेबल है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि फादर नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नेम है वो यहां पर आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है और ये एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है उस मार्क के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप देखोगे नेम ऑफ HP एम्प्लॉयमेंट सब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आप रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर आप है तो आपको यहाँ पर जो आपका रोजगार कार्यालय का नाम है वो आपको यहाँ पर देना होगा, ये आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद HP एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर भी करना है। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की जानकारी फिलअप करनी है, तो हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। फिर यहाँ से आपको अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है, सॉरी सेलेक्ट नहीं, आपको खुद से भरनी होगी। ये भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी, तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे स्टेट, तो आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, हिमाचल प्रदेश या अदर, जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आपको नीचे सेव डिटेल्स एंड मूव टू नेक्स्ट टैब इसके ऊपर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी भरनी है और आपको बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने 10वीं पास की है। बोर्ड के अंदर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने की है। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, उसमें से आपको कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी देनी है, अपने बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर बताना है कि आपने कौन से बोर्ड से की है। टोटल मार्क्स आपको डाल देने हैं, उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालना है और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने BA, BSc, BCom या फिर अन्य क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर दी है वो की है तो जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको सेव डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जान लीजिए कि जो आपका फोटो का फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। साइज आपका 40 KB से कमी हो, सिग्नेचर का साइज 20 KB से कमी रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जहाँ पर भी आपका फोटो है वो सिलेक्ट करके आपको अपलोड करना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से पिक्चर से इस इमेज को सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ और इसके बाद अपलोड फोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करके ओपन करना है, फिर अपलोड साइन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। नीचे आपको सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप चेक कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा इन जानकारी को एडिट करने का, इसलिए श्योर होकर के आपको नीचे यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखोगे कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहां पर दोस्तों डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहां से आप इसका जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और अभी आपको इसको PDF के रूप में सेव कर लेना है, बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिए। इसी प्रकार से आप यहां पर अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे जो कि आपका होने वाला है या फिर है HP फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट का। आई होप आपको पूरी जानकारी यहां पर इस फॉर्म के बारे में हो गई होगी। अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट है इस फॉर्म को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यहां पर जैसा कि आपने देखा कि आपसे फॉर्म भरते समय कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं मांगी, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको यहां पर किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ इसमें एप्लीकेशन फीस का आता है आगे चल करके तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यही थी आपकी पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।